কাকা হয়েছে, এবার বেরোবো। এবার বেরোবো আমি, এবার বেরোবো আমি। আরে একটা ওই একটা 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 চলে আসবে, দরজা বাজছে। ঠিক আছে, লেকশন দেওয়া তুমি দেখছি ভাই, যা রোদের কন্ডিশন, আসার চেষ্টা করব। চলো ভাই নিকলতে হাম লোক আবি ইয়াহাঁ সে। আমার বাইকে সাউন্ড নেই গো। হ্যাঁ গরম হয়ে গেছে, 100 কে হবে, হয় না এখন আটকে হয়ে যাবে, হয়ে যাবে। চলো টাটা টাটা। রোজা রাখতে হবে ইফতারি করার জন্য। বলো ভাই, KTM 390 ইন বাইকের ডেলিভারি মে আমি যা নেই পায়া থা, বহুত এক্সস্ট হয়ে গেছে উস দিন হম লোক, কিউকি উস দিন কাওয়াসাকি কা রাইড ভি থা। তো অভি হম লোক যা রে ঘর কে তরফ, বার বার মেরা জো চিন মাউন্ট না, চিন মাউন্ট কা জো গার্ড হ্যা ও খুল যা রা হ্যা, ওর ইসি কে ওজে সে কিয়া হো রা, উইন্ড ব্লাস্ট চলা যা রা ফির অন্দর। ट्रायम के साथ ड्रैग लगेगा, ड्रैग क्या हो गया, गोपुर ऑन ही नहीं हो रहा। मैंने कहा था गोपुर ऑन ही नहीं हो रहा था। नहीं निकले, चलो आराम आराम से चलते हैं घर। आज का राइड बहुत अच्छा हुआ, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हेलमेट के अंदर हवा जा रहा है, कोई एक तरफ से हवा जा रहा है। अरे यार क्या करें इस हेलमेट का, इस हेलमेट को हम सोच रहे ना सिर्फ फोटोशूट के लिए यूज़ करें या फिर गिव अवे कर देंगे। चलो 10K में एक हेलमेट गिव अवे करेंगे हम। मेरा भाई घूम ही नहीं रहा भाई, ये क्या हो गया। सो भाई साहब गर्मी से हो गया हालत खराब भाई, और रास्ते रास्ते में नाका चेकिंग है एकदम, तो सांस अंदर से बाहर से हर जगह से फूल रहा है, और अंदर ऐसा लग रहा है ना कि हम नहा लिया ऑलरेडी। हम राइडिंग गियर नहीं पहन के हैं, ओनली ग्लव्स पहन के हैं, शूज़ पहन के हैं, और जैकेट एक नॉर्मल सा जैकेट पहन के है। बट भाई अंदर का जो हाल है, अंदर एकदम भीग गया है, लिटरली अंदर नहा लिया हम पूरा एकदम, हाथ से बोलो फीट से बोलो लिटरली नहा लिया है। और मेरे जीन्स का जो ये थोड़ा सा फटा हुआ है इधर से, तो भाई साहब क्या बताए, इधर से आग मतलब गर्म हो गया पूरा। पूरा पूरी गर्म ही हो गया एकदम। नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे पॉसिबल नहीं होगा इस वेदर में राइड करना यार, मतलब इतना पानी पिया, करीबन करीब हम 1 लीटर पानी पी गया, उसके बाद फिर 1 ग्लास कॉफ़ी पी लिया, उसके बाद फिर लेमोनेड पी लिया आधा ग्लास या 1 ग्लास शायद, बट फिर भी अंदर ना एकदम लिटरली सूख रहा है, डेजर्ट की तरह अंदर सूख रहा है भाई, क्या बताए। अवस्था फुल टू ख़राब है, एग्जॉस्ट हो गया पूरा एग्जॉस्ट।
मतलब बाइक लेके दिन को निकलना मतलब फुल्ली एग्जॉस्ट, एनर्जी पूरा ड्रेन कर देता यार लिटरली। फिलहाल जाने टाइम में कुछ ऐसा फील नहीं हुआ क्योंकि जाने टाइम में थोड़ा क्लाउडी वेदर था और हवा भी चल रहा था, बट अभी फील हो रहा है मतलब हेलमेट के अंदर से ना पसीना चू रहा है पानी की तरह एकदम। फिर भाई यहाँ पे जैम स्टार्ट हो गया। अरे यार इतना धूप में ट्रैफिक मतलब हालत ख़राब भाई, तो ठोकी देगा घुसा के ठोकी देगा, ऐसा करके चला रहे हैं ट्रैफिक में तो और हालत ख़राब है भाई साहब। ओह यहाँ पे कोई रैली निकला है, रैली चल रहा है यहाँ पे, इसी की वजह से इतना जैम। ओ भाई साहब सामने देखो इतना सारा पुलिस है भाई, कोई रैली वैली निकला है शायद कोई पार्टी का, इसी की वजह से इतना जैम हो गया और यहाँ पे रोक दिया। देखो पुलिस के सामने से बिना हेलमेट के इंसान लोग जा रहे, बट अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा, जैसे ही हम लोग जाएंगे ना तब हम लोगों को पकड़ेगा भाई, सिंपल एज दैट। देखो बिना हेलमेट के लोग गुजर रहे पुलिस के सामने से, उन लोगों को कुछ नहीं बोलेंगे। अगर हम लोगों को पकड़ लिए तो फिर हो जाएगा, हम लोगों का चालान काट देंगे फिर। यही तो डिफरेंस है, पुलिस ही डिफरेंशिएट करता है। आग वाग जला दिया भाई इधर, लिटरली नॉर्मल पर्सन में और हम लोगों में ना लिटरली पुलिस ही डिफरेंशिएट करता है। अभी सामने और भी पुलिसेस हैं, गाड़ी देखेगा तो फिर पकड़ेगा क्योंकि इट्स अ रेड सिग्नल। गाड़ी भी पकड़ा है, हमको नहीं पकड़ता, आई एम गुड। मैं रुकवा देता तो कंटेंट आ जाता, बस्टेड बोल के नहीं रुकवाता भाई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बाप रे इधर भी बहुत खतरनाक बैरिकेड लगा के रखा है, ऐसे ही जैम है, रास्ता में काम चल रहा है, ऊपर से ये सब बैरिकेड ट्रैफिक। अब तो भाई पसीना आँख में चला गया, आँख भी जल रहा है, अब नमक पानी जा रहा पूरा एकदम, लेमन ऐड हो गया। ओहो भी और एक सिग्नल फिर ब्रिज हम लोगों का। अरे 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 दादा बच्चे को लेके जा रहे हैं अभी ठोक देते, और आंटी का पैर देखो बुलेट का एग्जॉस्ट में पूरा पैर दे के जा रहे हैं अंकल, सॉरी आंटी। इतना खतरनाक चला रहे कि उनके बगल में चलाने में डर लग रहा, वरना हम जाके थोड़ा सा फुटेज ले ही लेते उनके बगल में, एकदम सटा दे रहे हैं गाड़ी को ही सटा देते। बीच में बच्चा भी बैठा हुआ है शायद, देखो ले फिर बैरिकेड कहाँ करता है भाई तुम लोग, इतो बैरिकेड गाहे पैसा नहीं आ रहा का। अरे दादा अरे अरे दादा दादा अरे दादा देखो अरे माए रे माए, फिर यहाँ पे बैरिकेड लगा के पुलिस, क्या करता है ये लोग भाई, इतो बैरिकेड इतो पुलिस संडे के दिनों भी। कोई कुछ बड़ा चीज लेके आ रहा क्या कोलकाता में, अरे कुत्तू क्यूटी कुत्तू। फिलहाल मेरे को ठंडा भी लग गया भाई गले में ना, गले से
गले से क्या बोले यार, खांसने से ना घगड़ घगड़ एकदम घी निकल रहा है मोटा मोटा। तो ठंडा भी लगी गया है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। बच्चे लोग खुश और अपनी जर्नी मौज में चलती रहे, और क्या चाहिए अपने को, पसीना पसीना नहीं चाहिए भाई। उफ। और ये गाइस हम लोग गर्मी में राइड करते करते पहुंच गए, हाफते हाफते पहुंच गए पार्क सागर 7 पॉइंट। फिर यहाँ से लेना पड़ेगा मेरे को राइड, और थोड़ा दूर है मेरा घर भाई, पहुंच जाए। हालत ख़राब है भाई, फुल हालत टुट्टा, हालत टुट्टा हो गया। और यहीं पे एक बार रिएक्शन मिला था हम लोगों को, पुलिस वाले ने पूरा बुला के, जो बड़ा ऑफिसर है उसको दिखाया था बाइक। हम लोग हालत टुट्टे हो गए, और कल मैंने चेस्ट का एक्सरसाइज किया था तो इसी की वजह से ज़्यादा तो महसूस नहीं हो रहा बॉडी में। अगर कल बैक करते तो आज लिटरली फील होता, क्योंकि हम बैग भी कैरी करके आए। चलो सिग्नल हो गया हम लोगों का, निकलते हैं भाई। धूपी तो इतना धूप है भाई, अवस्था फुल टू खराब एंड टाइट, फुल टू एग्जॉस्ट, कांट से एनीथिंग लिटरली। उफ, ऐसा हालत हो गया अंदर से, ऐसा लग रहा है अभी जाए और सब कुछ खोल खाल के एसी में बैठ जाए भाई। ऐसा अवस्था हो गया, बाइक तो ऊपर से गर्म हो ही रही है खतरनाक वाली, क्योंकि गर्मी बहुत है, ट्रैफिक भी है, हवा भी नहीं चल रहा है भाई। जितना हवा चल रहा है उतना हवा में नहीं हो रहा है, इससे ज़्यादा हवा चाहिए दादा। वी नीड मोर एयर। फिर से हो गया ट्रैफिक, तो सिग्नल आएगा तो फिर अवस्था ऐसे ही ख़राब हो रहा और ख़राब होएगा। और क्या कर सकते हम लोग, 25 सेकंड का सिग्नल दे दिया, हाँ फिर लिटरली यार देखो कितना तकलीफ़ है व्लॉगिंग करना, वो भी धूप में। और आप लोग बोलते हो बाइक का व्लॉग कब आएगा दादा, कैसे करें बाइक में व्लॉग, ऐसा लग रहा घर के नीचे एक तो कूलर लगा के ना बाइक के ऊपर बैठ बैठ के ऐसे व्लॉग करना पड़ेगा, तभी ठीक रहेगा। अदरवाइज़ मामा मियो कबाब हड्डी सब हो जाएगा भाई यहीं पे, बॉयल फुल बॉयल। वाइज़र बंद ही नहीं कर सकते यार, वाइज़र बंद करने से ना अंदर में बॉयल हो रहे हम, आँख में पूरा लेमोनाइट चला गया। ऐसे हाईवे में थे बोल के वाइज़र बंद करके चला रहे थे, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है उस तरफ सिटी के अंदर, वाइज़र क्लोज करके चलाना मतलब फुल बॉयल हो रहा हम अंदर से। गला का तो ऐसे हालत ख़राब, ऊपर से हम भी बॉयल, सब बॉयल। गर्मा गर्म राइड हुआ आज, गर्मा गर्म मोटर ब्लॉग हुआ आज, फुल गर्मा गर्म। बाइक का आवाज़ पहले से कम हो गया, थैंक यू डबल बेब मेरा बात सुनने के लिए, क्योंकि पहले जो आवाज़ कर रहा था ना उस आवाज़ में इसको लेके सिटी में घूमना बहुत रिस्की था। पता नहीं ये भी हो सकता है मेरा ठंडा लगने की वजह से कान बंद हो गया होगा, इसी की वजह से आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रहा, ये भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या बक रहे हैं वही समझ में नहीं आ रहा मुझे। एनीवेज गाइस, अगर व्लॉग आप लोग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके आना यार। इतना गर्मी में आप लोगों के लिए राइड किया संडे, मोटो व्लॉग लेके आया, तो नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और लाइक शेयर कमेंट तो एकदम मैंडेटरी है इस वाले व्लॉग में, एकदम मैंडेटरी है। बाद बाकी हालत टाइट है भाई, और हाथ घूम ही नहीं रहा। उफ।
गुडनेस, माय गुडनेस, कौन कॉल कर रहा था मुझे पता नहीं, घर जाके देखेंगे अब। आई कांट टेक द कॉल एनी मोर। ओए होए बस वाले रुक जाओ, हम क्रॉस कर रहा है। बस वाले, अरे बस वाले, अरे बाबा, अरे दादा साइड दे दो, आई वांट टू गो होम, आई डोंट वांट टू। अरे भाई साहब, गर्मी में अवस्था टाइट है भाई, फुल टाइट। अरे अरे कहाँ घुसे गड़े है भाई, घुसे गड़ दे रहा एकदम, जहाँ मौका मिला नहीं घुस जाओ मुन्ना। अरे मुन्ना इतना बड़ा गाड़ी, इधर एकदम जहाज जहाज वाला गाड़ी घुसता है, हमेशा दिखता है जहाज वाला गाड़ी घुसता है, सब बड़ा बड़ा गाड़ी, अंदर एकदम मालदार पार्टी लोग रहता है या फिर कोई वर्कशॉप होगा, दोनों में से कोई एक, क्योंकि हमेशा जहाज वाला गाड़ी घुसता है सर, छोटा गाड़ी घुसता नहीं है।